नमस्ते और आपका स्वागत है एक और एनर्जी चेक इन में। और मैं यहाँ पे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग चेक करके देने वाली हूँ। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके दिल और दिमाग में सही में क्या चल रहा है, सही में कुछ चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, और आज कौन से कार्ड आपके डिवाइन मैस्कुलिन को मिल रहे हैं। सबसे पहले आपका दिल से धन्यवाद, इतने सारे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं फिर से। आज मैं 100 से ऊपर सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं, तो आपका दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप मुझे प्यार दीजिए और मैं आपके लिए प्यारी प्यारी रीडिंग लेके आती रहूँगी जो ट्रू ट्विन फ्लेम के लिए है, आपके पार्टनर के लिए है, सोलमेट के लिए हैं, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उनसे ये रीडिंग मैच कर सकती हैं। ठीक है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन आपके पार्टनर के सही में विचार क्या हैं वो हमें यहाँ से पता चलेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। ठीक है, मैं स्पिरिचुअल टीचर हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ। बहुत ही सालों से मैं टैरो कार्ड कर रही हूँ। मैंने एक चैनल पहले डिलीट कर दिया था, मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर थे किसी वजह से, लेकिन मैंने दोबारा से चैनल बनाया है ये, और 5-6 साल से ज़्यादा हो गए हैं मुझे रीडिंग करते हुए। मैं सिखाती भी हूँ, ठीक है, और स्पेल कास्टर भी हूँ मैं, मैनिफेस्टेशन भी कराती हूँ, और क्रिस्टल एंजल थेरेपी, जो भी आप चीज़ जानना चाहते हो उसके बारे में मुझसे जान सकते हो। पहला कार्ड है यहाँ पे 3 of Cups, 9 of Swords, 6 of Pentacles, द सन, और आपके पार्टनर के कार्ड। आज आपके पार्टनर के कार्ड बड़े ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से आए हैं। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि एनर्जी कई बार आप जो सोच रहे होते हैं वो आपके पार्टनर की एनर्जी होती है, कई बार आपके पार्टनर जो सोच रहे होते हैं वो आपकी एनर्जी होती है। 222 दिखाई दिया, तो ये बात बहुत सारे जन के साथ मैच हो सकती है। जो आपकी एनर्जी है वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, ठीक है ना। तो ध्यान दें जरा रीडिंग पे। तो आज आपके पार्टनर से कार्ड मिले हैं 3 of Cups, यानी कि आपके पार्टनर किसी के साथ भी, उनका मन नहीं है बात करने का, वो किसी के साथ बात करना नहीं चाहते हैं इस वक्त, क्योंकि वो 3 of Cups के नीचे यहाँ पे कार्ड आपका आया है 9 of Swords। आपके पार्टनर अकेले ही रह के आपको याद कर रहे हैं 10 of Pentacles कार्ड। इस वाले फेज में आपके पार्टनर चल रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ बैठे हुए, आपके साथ बिताए हुए पलों को, उन लम्हों को जो आपके साथ उन्होंने गुजारे हैं, इस वक्त की एनर्जी है। आपके पार्टनर बहुत मिस कर रहे हैं आपको इस वक्त, या अपने दोस्तों के साथ, आपके साथ जो उन्होंने टाइम बिताया है, क्योंकि उन दोस्तों के बीच में उनका मन तब लगा करता था जब आप उनके साथ होते हैं, तब उनका आपके पार्टनर का जो है बहुत ही अच्छा टाइम जो है निकला है। अपने दोस्तों के साथ आप होते हैं तो वहाँ पे और ज़्यादा खुशी आ जाती है। इस टाइम ये इंसान जो है समझ नहीं है इनको किसी भी बात की, कि क्या करना है, कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है। बहुत ज़्यादा उदास है ये इंसान, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचना और सोच के परेशान रहना। सोच रहे हैं कि बहुत से लोगों के लिए तो कैरियर इश्यू है आप लोगों के बीच में, बहुत से लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप खराब हुआ है, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो आपको दोबारा से ये रिश्ते को समझाएं, दोबारा से आपके साथ रिश्ता सही करें। सन कार्ड, आपके साथ एक बहुत अच्छा फ्यूचर देखते हैं ये इंसान, आपके डिवाइन मैस्कुलिन, आपके पार्टनर, आपके सोलमेट, आपके साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता ये देख रहे हैं। 3 of Pentacles कार्ड, ये चाहते हैं कहानी चाहे कुछ भी है हमारे बीच में सब कुछ सही हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, हमारे बीच में सलाह अच्छी हो जाएगी, बातचीत हो जाएगी, आने वाला टाइम सही हो जाएगा। जिनका ब्रेकअप हुआ है या जिनकी बात नहीं हो रही है उनके लिए उनके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं।
कहीं ना कहीं पे बहुत से लोगों की बात हुई है और वो बात होते हुए आप दोनों ने एक दूसरे को इतना याद किया है, अकेलेपन में इतना याद किया है कि वो दोहराई जा रही हैं बातें, उन बातों को दोहरा रहे हैं। आप अपने पार्टनर की एनर्जी को फील कर पा रहे हैं या आपके पार्टनर आपको ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इन दिनों फील कर पा रहे हो एनर्जेटिक। ठीक है, थोड़ा सी बात बात हो गई सेपरेशन के बाद भी, मैं छोड़ दूंगी, मैं भूल जाऊंगी, फिर थोड़ी सी बात हो गई कहीं ना कहीं पे, थोड़ा सा मिलना हो गया, डिवाइन मैस्कुलिन का थोड़ा सा आना हो गया और फिर वही कहानी शुरू, कैसे मिलना है, कैसे साथ रहेंगे, वही विचार आ रहे हैं इस वक्त, वो एनर्जी है। आपकी तरफ कौन से कार्ड आ रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन? मैं देखने वाली हूँ कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये भी देखेंगे हम। पहले हम आपके कार्ड ले लेते हैं, आपके कार्ड कौन से मिल रहे हैं आपको? 10 of Cups। जैसे कि मैंने कहा था कि ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, जो आप सोच रहे हैं वो आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। यानी कि डिवाइन फेमिनाइन को मिले हैं 10 of Cups कार्ड, 7 of Pentacle, 2 of Swords। डिवाइन फेमिनाइन भी कहीं ना कहीं दुविधा में है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूं या मैं अपने लवर के साथ रहूं, मुझे किसके साथ रहना है, कौन मेरा पार्टनर है। और अभी आपका दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा है इस वक्त, ऐसा है आप सोच रहे हैं कब चीज़ें सही होंगी, कब सब कुछ अच्छा होगा या एक दिन अच्छा हो जाएगा, ऐसा आप सोच रहे हैं इस वक्त। ये आप लोगों की एनर्जी है। ठीक है, आप सोच रहे हैं आप खुद में ही कमियां निकाल सकते हैं इस वक्त, आपको ऐसा लग सकता है, इतनी सारी खूबियां होने के बाद में भी आपको ये लग सकता है कि मैं सही नहीं हूँ। शॉर्ट शॉर्ट की एनर्जी है, दिमाग में बड़ी दुविधा चल रही है, दिमाग से आप बिल्कुल शांत नहीं हैं। जजमेंट को हम क्लियरिफाई कर सकते हैं, जजमेंट 6 of Cups। तो जजमेंट के कार्ड को आपको कहीं जाना है, जाने से वैसे जैसे कि कल की बार मैंने रीडिंग में आया था कि कहीं जा रहे हैं आप तो आपको रोका जाएगा, वही आपका मन है कि आपको जाने का बिल्कुल दिल नहीं है कहीं पे भी। जहाँ पे हैं मैं कैसे अपने पार्टनर के लिए वो सब कुछ कर पाऊँ जो उनको अच्छा लगे, आपके पार्टनर को जो अच्छा लगे, क्योंकि यहाँ पे आप घर परिवार में रहते हुए भी आप दुविधा में होंगे, मुझे कौन से पार्टनर को चूज़ करना चाहिए, क्या मेरा जो पार्टनर है वो मुझे समझेगा, वो मेरी तरफ आएगा, मुझसे बात बात करेगा, या क्या ये रिश्ता हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, क्या ये कभी रिश्ते में मुझे धोखा तो नहीं मिलेगा, इस तरह की एनर्जी है। वही बातों को बार बार सोचते रहते हो और ग्रोथ तो है इस रिश्ते में, ग्रोथ तो मुझे बहुत दिखाई दे रही है, क्योंकि पेंटिकल का भरा हुआ यहाँ पे एक पेड़ है जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप दोनों ने ये लगाया है, तो इसके रिजल्ट आपको आगे जाके मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे 7 of Pentacle का कार्ड बता रहा है। तो ये वाला कार्ड डिवाइन मैस्कुलिन या आपके पार्टनर जो है आपकी तरफ करंट में मिल चुके हैं बहुत से लोग, और बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि ये मिलने, सभी के साथ ऐसा नहीं होगा, बहुत कम लोगों के साथ होगा। ठीक है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग तो है नहीं है ये, आप देख लेते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर जो हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 8 of Wands, 6 of Swords, 10 of Wands, और देखिए वो ये सोच रहे हैं कि आप बड़ी पावरफुल हो, बड़ी ही पावरफुल हो आप, मजिशियन कार्ड। अब मैंने कहा जैसे कि आप बड़े ही पावरफुल हो, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंस का कार्ड है, जबकि हमें दिख नहीं रहा था ये कार्ड। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोचते हैं आप बहुत पावरफुल हो, आपने कितना भयानक समय जो है अकेले ही देखा है, अकेले ही आप उससे जूझे हो बहुत सालों तक, 10 महीने से 1 साल हो गया है, या काफ़ी लोगों को 10 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं इसमें स्टक हो हुए, रिलेशनशिप में जस्टिस नहीं मिली है आप लोगों को,
आपके पार्टनर आपको जो है सोच रहे हैं आपके बारे में कि किसी तरह से हील हो जाए आप दोनों का रिश्ता, किसी तरह से फिर से वो रिश्ते में जो है बाहर थी, जो रिश्ते में प्यार था वो फिर से आ जाए, इस तरह से आपके पार्टनर सोच रहे हैं। बड़े सब्र के साथ आपने ये सब कुछ जो है अपने जीवन में अपने पार्टनर से अलग रहने के बाद में जो हीलिंग की है अपने आप की, जो अपने आप को एक लेवल पे लेके गए हैं आप, अपने खुद की आपने जो वैल्यू की है, जो खुद की कदर की है, खुद से जो प्यार किया है आपने उनसे अलग रह के, आपके पार्टनर उसको और ज़्यादा सराहना कर रहे हैं उसको, और देख के आपके पार्टनर और ज़्यादा आपकी तरफ जो है उनका दिमाग इस वक्त पूरा का पूरा आपकी तरफ है, क्योंकि यहाँ पे मजिशियन का कार्ड है। आपके पार्टनर आपके साथ जो है सभी इच्छाओं को पूरा करने के बारे में, ये इंसान अपने डिज़ायर अपने सपने रखते हैं, ऐसा आप लोगों के पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। आप लोगों की एनर्जी भी यही है, आप भी यही बात सोच रहे हैं। देखिए, अच्छा सोचते हो तो आने वाले समय में हम वही चीज़ अट्रैक्ट कर लेते हैं जो हम सोचते हैं। अगर एक ही समय पे एक ही चीज़ बार बार बोली जाए तो भगवान वो चीज़ इंसान को दे देते हैं। तो कहते हैं कि इंसान के एक आदमी था, वो कहता था कि एक साधु संतों ने उसको पत्थर दिया था कि ये लो एक पत्थर है, अगर इसको तुम बार बार बोलोगे भी सोना बन जा, ठीक है। तो वो कहता रहा कि सोना बन जा, लेकिन जैसे ही उसका सोने बनने का टाइम आया, ऋषि मुनियों ने उसको दिया था वो पत्थर, तो उसने गुस्से में बोल दिया कि अगर सोना नहीं बनना है तो पत्थर ही बन जा भाई, और पीतल ही बन जा। तो वो पीतल बन गया, यानी कि अपने सबर का आपने वो नहीं तोड़ना, बिल्कुल भी बांध नहीं तोड़ना, सबर का पुल नहीं तोड़ना, आपने वो धैर्य रखनी है। और इच्छाएं जो हैं आपकी भगवान के साथ हैं, क्योंकि आपने भगवान से मांगी है, किसी और से तो मांगी नहीं है, और उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ना हो, जो वो इंसान बना सकता है, वो पेड़ पौधे धरती आकाश पाताल सब बना सकता है। तो क्या वो इच्छाएं जो हैं वो पूरी नहीं हो सकती उसकी?